आप देख रहे हैं रिएक्शन चेक। सलाम नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। एज ऑलवेज वेलकम टू रिएक्शन चेक। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए एक मूवी टीजर लाया हूँ, मूवी ट्रेलर लाया हूँ बल्कि। इसका मैंने पहले टीजर का रिव्यू किया था और काफ़ी सारे लोग, मुझे पता नहीं था कि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। उस पर जितने भी कॉमेंट्स आए थे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला यार ये आपने कैसी ट्रेलर पे कर दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए कि वी डोंट लाइक दिस पर्सन एट ऑल, देर शुड नॉट बी अ मूवी अबाउट दिस पर्सन, ये बंदा ठीक नहीं है। और जो मैं बात कर रहा हूँ जिन शख्सियत की, वो है संजय दत्त। और उनका हाल ही में एक जो राजकुमार हिरानी उनकी मूवी बना रहे हैं, और राजकुमार हिरानी मेक्स रियली नाइस मूवीज। इस मूवी में रणबीर कपूर हैं और इसका मैंने टीजर का रिव्यू किया था। आई विल पुट द लिंक समवेयर हियर, यू कैन बेसिकली गो देयर एंड रीड द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन सी व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर टॉकिंग अबाउट अबाउट द मूवी और अबाउट द कैरेक्टर और अबाउट द पर्सन ऑन विच द मूवी इज मेड। आज उनका ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड दिस ट्रेलर। मूवी रिलीज होने वाली है ऑन द 29th ऑफ जून। और चलिए देखते हैं, पहले ट्रेलर देखते हैं उसके बाद बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है और लोग इतना क्यों इसको नापसंद करते हैं बावजूद इसके कि संजय दत्त इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड। तो देखते हैं। Trailer starts now. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा? मैं बेवड़ा हूं, ठरकी हूं, ड्रग एडिक्ट हूं, सब हूं, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूं। आपके पास AK-56 थी? नहीं सर, बताता हूं सर, सब बताता हूं। इंटरेस्टिंग। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि मां बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। अपनी बीवी के अलावा तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूं। 308 तो याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। हमारे गांव में ना एक कहावत है, घी छे तो घपा गप छे। ट्रांसलेट कर। घी मतलब पैसा और घपा गप सेक्स। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करेगा तो प्रेस वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। संजू, मंगलसूत्र कहाँ है? Where is my bloody मंगलसूत्र? मुझे कुछ नहीं पता था बम ब्लास्ट के बारे में। कोर्ट में बोला कि मुझे सब पता था। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा? वो तो अब भी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist. आपका बेटा बेल पे है फिर भी अंडरवर्ल्ड के साथ बातें करता है। पिछली 12 फिल्में फ्लॉप है। इन शॉर्ट फिनिश्ड। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। दादा पॉट से पानी आ रहा है, दादा प्लीज हेल्प। टाइगर है तू, टाइगर रोल क्या नहीं है रोल। बाबा किधर है तू? शॉट रेडी है? अरे बहुत 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 ट्रैफिक है। ए मामा चक्कर, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसको 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 हटा। अरे टैक्सी को हटाना। बाबा बाबा
मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है। I really don't know much about the controversy that Sanjay Dutt was in the bomb blast or the AK-56 or AK-47 that were found in his house. अब उसकी क्या कहानी है इस मूवी के थ्रू कैसे पता लगता है और क्या चीज़ पता लगती है वो तो मूवी देखने के बाद ही मालूम होगा. और 29 जून को ये मूवी रिलीज हो रही है. 29th of June 2018 दिस मूवी इज़ रिलीजिंग एंड I'm definitely going to watch this because कुछ movies होती हैं इंडिया की जो यहाँ मलेशिया में भी रिलीज होती हैं. आई थिंक दिस इज़ going to be one of them because I believe this is definitely because all the Rajkumar Hirani movies have been screened here in Malaysia. So I'm definitely going to watch this movie. All in all मुझे बड़ा अच्छा लगा. और थोड़ा बहुत जो पिछले comments लोगों ने किए थे teaser के ऊपर उनमें मुझे कुछ ज़्यादा sense नहीं बन रही थी. I did not expect, to be very honest, I did not expect those comments about Sanjay Dutt. I did not know that there is a section of people in India that actually don't like Sanjay Dutt. I only know him as a movie star, nothing else. But through this movie, I think the director of the film or Sanjay Dutt himself is trying to actually convey a message that maybe things weren't the way they were portrayed or things weren't the way they were presented to people. I don't know what you guys think. Movie देखने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि एक हकीकत है या नहीं है. लेकिन all in all अगर आप राजकुमार हिरानी की मूवी के एक डिस्टिंक स्टाइल देखें उसमें जो उनका एक म्यूज़िक होता है जिसमें वो शुरू में ब्यूगल बजता है और थोड़ा बहुत बाजा जो अपनी मूवीज़ में लाते हैं वो उसको थोड़ा बहुत वो करता है. और आई वॉज रीडिंग अ लिटल बिट अबाउट राजकुमार हिरानी. उनकी एड फिल्म्स बनाते थे. इज़ अ बिग फैन ऑफ चार्ली चैपलिन और ज़बरदस्त मूवीज़ हैं. राइटर भी बड़े अच्छे हैं. उन्होंने काफ़ी अच्छे जो टीवी कमर्शियल फेविकॉल के कुछ टीवी कमर्शियल्स उन्होंने बनाए थे इंडिया के लिए वो भी बेहतरीन थे. और काफ़ी अरसे से वो मूवीज़ इंडस्ट्री में हैं और एड इंडस्ट्री में और मूवीज़ में फिर आए हैं और तहलका मचा दिया है. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग राजकुमार हिरानी फिल्म. उसमें बूमन ईरानी भी हैं, इसमें जिम साहब भी हैं और दिया मिर्ज़ा. I mean, there are a lot of actors in there, you know, like Paresh Rawal, unke walid sahab ka kirdaar hai karan, jo Sunil Dutt ki, I think, portrayal hogi. Definitely unhi ki portrayal hogi, but I don't know if he will be able to actually pull it off, because Sunil Dutt ki kuch aur movies bhi maine unke reactions kiye the. You know, you can just go into the channel and actually take a look at that also. Padosan movie ka maine ek reaction kiya tha, gaane ka aur kuch scenes ka, to aapko wo bhi nazar aa jayega. All in all, I'm really looking forward to watching this movie. You tell me if you're looking forward to watching this movie or not. Agar aapko aur bhi trailers dekhne hain mere channel pe, mere aas paas aapko nazar aa jayenge. Aur hamesha ki tarah apna bahut bahut khayal rakhiyega. Agli video tak ke liye salam, tara, goodbye and adios.